योद्धाओं को जो आज हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर है, पुलिस कर्मी है, प्रेस के कर्मी है, साथ ही सफाई से जुड़े लोग हैं। राजू भैया को धन्यवाद, अग्रवाल को सम्मानित कर। वार्ड नंबर 19 के नेता मोहम्मद सिराजुल को दिलीप चाचा का धन्यवाद। फागू चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा जी को सम्मानित करेंगे वरिष्ठ पत्रकार जहांगीर भाई साहब। यूथ वेलफेयर सोसाइटी और डायमंड क्लब ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान जो लोग संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, जिन्होंने अपने प्राण देकर हम लोगों को सुरक्षित रखा, आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनका हम लोग जीवन भर आभार को सिखाया गया। आज हम लोग अपने परिवार के साथ रहना सीखे हैं, अपने जरूरतों को कम करना सीखे हैं, कम पैसों में कैसे गुजारा किया जाए वो भी सीखे हैं। आज लोग बेरोजगार हैं, किसी के पास काम नहीं है, फिर भी 6 महीने से लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार और कुछ संस्थाएं काफ़ी सहयोग कर रही है लोगों के, जो जरूरतमंद लोग हैं उन सभी का मेरा धन्यवाद। बात करते हुए सद्दाम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। महामारी के खिलाफ जो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले समाज के लोग हैं, उनके सम्मान में यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है। इस आयोजन मंडली के जो प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया CFM तथा और विशेषकर CFM के जो प्रभाग और शुभकामना है इस संस्था को मेरा, कि अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर जो गरीब जो रोड पर फुटपाथ पर रहता है इसको घर से खाना बनाकर और खिलाने का काम किया, ये ऐसे महान काम करने वाली एक महिला है जो हम लोग का सौभाग्य है। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनको 40 साल से जानता हूं, 80 के दशक से, उन संघर्ष के दिनों से, शायद वो संघर्ष ये जानते हैं और मैं जानता हूं, अय्या आसनसोल शहर जानता है कि कितने नीचे से संघर्ष करके इस मुकाम तक हम लोगों ने पहुंचने का काम किया है। आज के इखाने उपस्थित समस्त गुरुजन देर आमी आमार आंतरिक प्रणाम एवं भालोबासा जानाई एवं छोट भाई बोन देर आमी भालोबासा जानाई, स्नेह एवं भालोबासा जानाई। আমি খুব বেশি কথা বলবো না, খালি বেশি বলতে আমি বক্তৃতা দিতে পারি না, ঠিক আছে, খালি একটুই বলতে চাই যে আমাদের রয়েছে এবং তার সাথে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার যত আছে, যত সহকর্মী আছে এবং তার যত কর্মী আছে, সমস্ত সবাই কিন্তু মানুষের পাশে আছেন
এবং থাকবেনও ভবিষ্যতেও থাকবেন। পুরো করোনাতে কিন্তু ওই একটা সরকারই ছিল যে কিন্তু রাস্তায় নেমে এসে কাজ করেছে মানুষের সাথে, মানুষের পাশে, এবং তারই পথে দিচ্ছি এবং আগামী দিনেও চলার চেষ্টা করবো। ব্যাস আর কিছু বলতে চাই না, এইটুকুই বলতে চাই যে এখানে যে আজকের যে অনুষ্ঠানটার যে আয়োজক, সে সাথে ডায়মন্ড ক্লাবের যত আছে পদাধিকারী এবং কর্মী সবাইকে আমি জানাই অনেক 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 ধন্যবাদ যে আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করেছেন তার জন্য, এবং সেই যোগ্য মনে করেছেন যে আমি যাতে একটা সম্মান পাই। নমস্কার। এই দু অহম চেহারা মুঝে দিখা, বিহারী তো বহুত হ্যাঁ লেকিন দু বিহারী মুঝে দিখা আর দোনো মেরে প্রণাম নেই, দোনোঁ কো মে প্রণাম করতা হুঁ। এক বিহারী যাদব জো ডায়মন্ড ক্লাব কে রহনুমা হ্যায় আর এক নন্দ বিহারী যাদব, মে চাহতা হুঁ ইনকে লিয়ে তালি তো বজনি চাহিয়ে। থ্যাংক ইউ। তো আর এক তালি বজনি চাহিয়ে, তালি কা হকদার হ্যায় ডায়মন্ড ক্লাব। দেখিয়ে বহুত সারে ক্লাব হ্যায় ইয়াহ পে, বহুত সারি সংস্থায় হ্যায়, লেকিন এসি সোচ রখনে ওয়ালি সংস্থা বহুত কম হ্যায়। भले ही छोटा क्लब है डायमंड क्लब, मैं देख रहा था संसाधन बहुत कम है इनके पास, थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन लेके इन लोगों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार इनको सलाम करना चाहता हूँ, क्लब से जुड़े हुए तमाम लोगों को, क्लब से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को। और इस प्रोग्राम का आयोजन जिसने किया, मुझे जहांगीर जी ने फोन किया, मेरे भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, आमंत्रित किया, और कोलफील्ड मिरर का मैं एक शुभचिंतक भी हूँ, और डायमंड क्लब के कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ, अच्छा लगा यहाँ आके। हेलो, धन्यवाद। धन्यवाद ममिता जी को। धन्यवाद। माफ कीजिएगा, सफाई कर्मी सुपरवाइजर है बलाइदर। जोरदार तालियां इनके लिए। कोरोना काल में भी ये घर घर जा करके लोगों का इलाज करते हैं, और इसलिए मनुष्य जो है हम सामाजिक प्राणी है, हमारा दायित्व तो है, हम अपने दायित्व तो का निर्वहन करना चाहते। दूसरी बात कोरोना वायरस के लिए मैं कह रहा हूं और डायमंड क्लब के लिए कह रहा हूं, दो शब्द ही कहूंगा ज्यादा नहीं, कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जहां तक शिक्षा की बात के संदर्भ में सद्दाम बोला, हम नहीं बनता है, सभी शिक्षकों ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया, बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा देने का, ऑनलाइन पढ़ाने का कोशिश किया, वीडियो के माध्यम से, उसके अलावा प्रश्न के माध्यम से, एक्टिविटी टास्क के माध्यम से हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। बीच में अभी कुछ एक्टिविटी टास्क के कारण अभी हम लोगों की ऑनलाइन कक्षाएं जो है वह बंद हो चुकी है, क्योंकि टेली क्लासेस की हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर बुलाकर जो सम्मानित किया, गौरवान्वित किया, उसके लिए मैं जितना भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। धन्यवाद। बिहारी यादव जी के बारे में आपको बता दे, जो इस क्षेत्र में जाने माने चेहरे हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, ले
सभी को ताली बजाइए। धन्यवाद सर भैया, धन्यवाद पूरा भैया। कार्यक्रम का अंत होने वाला है, इसके बाद सिराजुल जी अपना जहांगीर भाई को इनके लिए तालियां। धन्यवाद गिरीश सर का। परिवार के लोग और भूखे लोगों को कोरोना काल में भी ये हमारे सीनियर हैं प्रकाश, मैं धन्यवाद करता हूँ। शिष्य भी हैं और वो आसनसोल अभी कुछ ही समय पहले ही मीडिया में आया है और तहलका मचा दिया है अपने जज्बे के जरिए। उस सद्दाम ने मिलकर ये कार्यक्रम को जो किया इसके लिए और डायमंड का जो सबसे बड़ा सहयोग है, मैं फिर से कह देता हूँ, पूजा पाठ और सांस्कृतिक अनुष्ठान के माध्यम से डायमंड क्लब का परिचय था सीतारामपुर में, लेकिन आज डायमंड क्लब का वो परिचय होगा जो सभी को कल सुबह चर्चा करेंगे, चाय के दुकान पे हो या अपने घरों पे हो या मित्रों के साथ, कि कोरोना के इस लड़ाई में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लड़ाई दिखाया, अनाज वितरण किया, पैसा अकाउंट में भेजा, गैस के लिए दिया, इस कोरोना की लड़ाई में सरकार राज्य सरकार जो भी अपना सेवा दिए हैं, जो भी एमपी एमएलए जिस तरह से काम किए, सभी सम्मानित किए गए हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग सम्मान से उनका नाम लेंगे और सम्मान से उनके कार्यों को याद करेंगे और पत्रकारों को जिस तरह से पत्रकारों ने अपना कार्य इस कार्यक्रम के दौरान किया है और समाज में कोरोना के ज्ञापन करता हूँ। नमस्ते। इन लोगों ने कोरोना महामारी के वह जो काम की उन परिवार से दे रहे हैं, इन्हें हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही अच्छा काम किया कोरोना महामारी में, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिससे सब कोई बचते थे, लेकिन एक मीडिया ही है जो बाहर अपने जी जान लेकर खड़ी थी। एक बार आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से इन मीडिया वालों के लिए ताली बजाए, इन्होंने काफी मेहनत की है, आपको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। आज के इस प्रोग्राम में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत से ऐसी बातें करनी चाहिए क्योंकि हम पार्टी से बिलोंग करते टीएमसी से। सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में आए। आज यह जो प्रोग्राम है वेलफेयर सोसाइटी और डायमंड क्लब की ओर से उन योद्धाओं के लिए जो आज महामारी के बीच में समाज के सामने अपने परिवार को छोड़कर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए सारे इलाका में घूमे हैं, फिरे हैं, मदद किए हैं लोगों का, उन्होंने ये प्रोग्राम करने में हमारा सहयोग किया। और बस मैं यही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और मैं संजय पासवान जी को अनुरोध कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए और उनको सम्मानित करेंगे हमारे उप मेयर प्रभुसु महाराज जी। धन्यवाद, तो तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जो लोग यहाँ से आए और सम्मानित होके चले गए उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का प्रोग्राम का हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। सभी को धन्यवाद।